नाजरीन आदाब, फटाफट खबर बितुरना खुदा न्यूज के तेज सगरान चो खैर मकदम। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी चो इंतकाल, हुकूमत हिंद तरफ से 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 रोजा कौमी गम मनोचो ऐलान। प्रणब मुखर्जी तवील वक्ताशी होते बीमार, दिल्ली चा आर्मी हॉस्पिटलात होते एडमिट। प्रणब मुखर्जी चा पुताशीन ट्वीट केर इंतकालाची केरलान तो तस्दीक। प्रणब मुखर्जी 2012 हिंदुस्थान 13वे सदर जमहूरिया चो घेतलाय तो हल्फ। 2012 चा 25 जुलाई से 2017 तक सदर जमहूरिया चा हदार होते फाइस। डॉक्टर कफीलाला फौरी रिहा केरुचो इलाहाबाद हाईकोर्टाचो फैसला। योगी हुकूमतान डॉक्टर कफीलाला एक तकीराचा जुर्मानात 7 महीने से जेलात केरलांशे बंद। डॉक्टर कफीलाला अलीगढ़ भितूर सीसीए मुखालिफत एहतिजाजात शिरकत केरून तकरीर केरुचा जुर्मानात जनवरी 2020 ला केरे गेला था गिरफ्तार। मरकजी हुकूमताच्या तरफ से अनलॉक 4 चे रहनुमा कुतुब जारी केल्यानंतर रियासती हुकूमताच्या तरफ से भी अनलॉक 4 चे गाइडलाइन केरे गेले से जारी। 7 सितंबर से बेंगलोर मेट्रो सर्विस होतील शुरू। 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस रहतील बंद, अलबत्ता ऑनलाइन क्लासेस रहतील चालू। थिएटर, स्विमिंग पूल, तफरी पार्क यौचा हकामाशी रहतील बंद। भटकल भितूर जिला उत्तर कन्नडाचे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हरीश कुमार प्रेस कॉन्फरन्स। जिला उत्तर कन्नड घरचा कोरोनाशी 22 लोकांशी जायली से मौत, लेकिन कोरोनाला शिकस्त देऊन सियादाब होतो तनासुब अशे दस्ती तावस्ता आम्हाला भिवची नाही जरूरत। जिल्हा भितूर अब तक कोरोनाशी मुतासिरांची तादाद जायली से 4860, 3664 अफराद मुकम्मल जायले सती सियादाब। डॉक्टर हरीश कुमार प्रेस कॉन्फरन्सात भटकल भितूर आवामाच्या तरफ से वक्तार कोरोना टेस्ट केरूच्या कोताही वरती जाहिर केले तशवीश। आखिरी वक्तार लोग हॉस्पिटलात ना इंतजामाशी होत असत रुजू, आखिरी वक्तार मरीजाला बचावला होत असे मुश्किल। भटकल भितूर एंटीजेन रैपिड टेस्ट असे बिल्कुल मुफ्त, अगर कोणाची रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येते जायलार भी घराकना रहून भी इलाज केरूचे असे सवलत। भटकलच्या नौजवानाच्या बहादुरीला हवामानच्या रोजनामा टाइम्स हवामानान भी केरलान सलाम। टीवी भितर खुसूसी प्रोग्राम नशर केरून केरलान मुलाकात। याद रहूला के गेलाला जुम्माला बहरे अरब भितर बुड़ता आस्थानने दोन ओमानला बचायला नंतर भटकली नौजवानला हिंचा बहादुरी चा कारनामा वरती शुक्रिया अदा केरून देत असत मुबारकबादिया। अलजामा स्पोर्ट्स सेंटरच्या तरफ से तहनियती प्रोग्राम केरे गेलो मुलाकात। या वरस भटकल तालुकाच्या एसएलसी इम्तिहानात उर्दू मीडियम से जामियाबाशी होती दोन टॉपर्स। ऐशा जिवरिया बिंत इरफान कंपाना सफा मरवा बिंत इरशाद इब्बूची मेमेंटो देऊन केरे गेली हिम्मत अफजाई। प्रोग्रामात मेहमानाने खुसूसी तौरावरती मौली अब्दुल नूर फकरदे होते शरीक। मौलने आपला तकरीरात नौजवानाला खेरा संघाती दिनी समाजी सियासी सरगर्मियात बढ चढून हिस्सा घेऊची केरला नसीहत। अलजामिया स्पोर्ट्स सेंटर भटकलच्या नवेदारांचा झालेला इंतखाब। जनाब युसुफ मुल्ला सिर्फ एक वटाशी जिंकून अलजामिया स्पोर्ट्स सेंटरचे सदर झाले मुंतखब। नायब सदर जनाब सलीम अलजी, नायब सदर दुवम जनाब अशफाक कावा जायले मुंतखब। जनाब फाईज शमाली जनरल सेक्रेटरी न सेक्रेटरीला जनाब फवाद उस्मानी इंतखाबादात जिंकून जायले मुंतखब। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जनाब रिफाकत बंडी इंतखाबादात जिंकून जायले मुंतखब। महासिब जनाब शाहनवाज डड्डी न खाजिन जनाब खाजा मुल्ला इंतखाबादात जिंकून जायले मुंतखब। याद रहूला के लॉकडाउना पहिलो अलजाम्याच्या लायब्ररीत अलजाम्या स्पोर्ट्स सेंटरच्या अदादारांची जायली ती वोटिंग। लॉकडाउना सबब रिझल्ट येवला, 3 महिने केरूचो पडलो इंतजार।